हमारे देश में नेताओं के बारे में कहा जाता है कि हर गली में एक नेता होता है और नेता अपनी रसूख का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से, जहां पर नेतागिरी भारी और बेबस अधिकारी, ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोरबा में अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए जब प्रशासनिक राजस्व अमला पहुंचा तो यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के एक समर्थक के एक्रोचमेंट को हटाने के लिए जब कार्रवाई हो रही थी तो उन्होंने कलेक्टर को सीधे सीधे नसीहत दे दी और सीधे कहा, जूता मारने की धमकी दे दी कि कलेक्टर को सीधा कहा कि हम जूता मार देंगे आपको अगर कार्रवाई की। तो अवैध कब्जा हटाने के लिए ये अमला पहुंचा था, तभी पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर अपने समर्थक का कब्जा बचाने के चक्कर में कलेक्टर से भिड़ गए, खूब खरी खोटी सुनाई। जबकि ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश के भिंड से भी सामने आई है, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एक जनसभा की और कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट सब पहुंचे, तमाम नेता कांग्रेसियों ने वापस यहां से एसडीएम और तहसीलदार को भेज दिया, उनसे मिलने के लिए खुद एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे थे लेकिन इन नेताओं ने उनको वापस कर दिया और कहा कि कलेक्टर को भेजने के लिए कहा कि आप कलेक्टर को भेजिए। बाद में ज्ञापन लेने कलेक्टर खुद पहुंचे और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कलेक्टर को नसीहत दी और कानून का पाठ पढ़ा दिया। यहां तक कह दिया कि भिंड में बीजेपी के कई नेता हैं जिन्होंने कि अवैध तरीके से जगह घेर रखी है, उन पर आपको कार्रवाई करते नहीं बनता, आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। कलेक्टर बीजेपी के नाम से, ठीक है, हमारी सरकार है, वो क्या बोलते हैं यहाँ पोस्टिंग हो गया है, लेकिन मुझको बोलता है बताइए आदमी लेकर क्यों आते हैं ऑफिस में, ये बताइए आपकी समस्या है और मैं कलेक्टर को बतलाने जाऊँगा आपको लेकर के, तो मेरे को बोल सकते हैं क्या बताइए? नहीं, वो तो कलेक्टर समझेगा, हम लोग क्या समझेंगे? नहीं 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 नहीं, ये बात तो आप समझेंगे ना कि ननकीराम जा सकता है? नहीं, ननकीराम जाए, कहे नहीं जा सकता, तो गए तो ऐसा बोल, मैं उसके बाद बोल दिया मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊँगा नहीं और आ जाए ना अगर जूता नहीं करते हैं और सर्विस रूल के थोड़े नियम को तो पालना पड़ेगा कि नहीं पालना। आप बिल्कुल कोई नियम कायदे कानून ताक पे रख दिए और बीजेपी जैसा कहते हैं, विधायक जैसा कहते हैं, आपने तो कांडो मचा दिया। हमने आपसे तीन तीन बार, मैंने बात की, राय साहब ने बात की, राज साहब तो करते होंगे, कितनी आपसे आग्रह किया कि सर नियम का पालन करो, कानून का पालन करो, संविधान महत्वपूर्ण है और आप ये चाहते हैं कि इसके बाद भी आप कह रहे बोलो मत बोलो मत बोलो मत। हम तो अंदर आना चाहते थे, आपने बाहर इंतजाम किया। अब ये अवैध रेत खनन हो रहा है तो ये नहीं दिखता आपको? ज्ञापन तक सीमित रहे, नहीं ज्ञापन तक नहीं, मतलब आप नहीं लेना चाहते? मैं ज्ञापन लेने आया हूँ आपके पास, चल के आया हूँ ज्ञापन। तो राय साहब की ये भावना है, ज्ञापन दे दो जल्द, तो बातों को सुनना पड़ेगा और फिर क्या कर रहे हो बता दें, बुलडोजर चलाना कौन सा नियम और कानून? नंबर एक। नंबर दो, हिंदू के घर पे नहीं चलेगा, मुसलमान के घर पे चलेगा, ये इनका इनका आपका वीडियो आप ही का है ना? अगर आपकी यही हरकत चलती आप खिलाफ एफ आई आर लिखाएंगे और कोर्ट में लिखाएंगे, ध्यान रखेंगे इस तरीके का। आप थोड़ा संविधान का पालन करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।